अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ारीन ब्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ प्लांट्स मैं नर्सरी से परचेज करके लाई हूँ और वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये क्रेसोला है और ये पिंजी के मैं चार शेड लाई हूँ। तो इसमें कलियाँ भी हैं काफ़ी सारी और अच्छा हेल्दी प्लांट है ये, मैं लेकर आई हूँ। इतने कलर्स थे पेंजी में, बहुत ही खूबसूरत, और ये मैं चूज़ करके लेके आ गई अपने लिए। वैसे तो फरवरी मंथ ग्रोइंग सीज़न है, बीज लगाने का मौसम है, लेकिन अभी भी क्योंकि विंटर के फ्लावर्स अभी भी ब्लूमिंग हो रही है उनमें, इसलिए मैं ये लेकर आ गई। और बेसिकली मैं इसको लाई इसलिए हूँ कि डिफरेंट कलर्स के जो फ्लावर जब खिलेंगे तो फिर उसके बाद सीड्स बनेंगे, और सीड्स जो हैं वो हम कलेक्ट करेंगे तो हमें नेक्स्ट ईयर प्लांट्स जो हैं वो ख़रीदने नहीं पड़ेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्लांट बन जाएंगे। तो इसी वजह से मैं ये काफ़ी सारे प्लांट जो है ख़रीद कर लाई हूँ। और ये वाइट, इसको तो देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा था, डेजी है ये वाइट कलर का, और आई होप कि इसमें से भी मुझे काफ़ी सारे बीज मिलेंगे जो कि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए संभाल के रखूँगी इंशाल्लाह। ये आस्टर है, इसमें दो कलर लाई हूँ मैं, चाइनीज़ आस्टर कहलाता है ये। इसमें दो कलर है मेरे पास, एक ये वाइट है यहाँ पे और एक ये कलर था पिंक। इसके अलावा जो है ये रैंकोलेस हैं दो कलर, ये दो कलर उसके हैं आस्टर के। पिंजी के चारों शेड और प्रेम रोज के दो शेड मेरे पास मिसिंग थे, वो भी मैं ले आई हूँ। अब कुल मिलाकर छः कलर्स हैं जो मेरे पास रखे हुए हैं। और इसके अलावा मैं एक सैकुलेंट भी लाई हूँ, सैकुलेंट का नाम है क्राइसोला, वो मैंने शुरू में भी आपको शो किया था और अभी यहाँ दोबारा भी मैं दिखा देती हूँ। और इनकी एक दफ़ा मैं आपको फुल पिक्चर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये जो नर्सरी वाले बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते प्लांट्स की, बस शावर कर दिया पानी और मिट्टी में शायद एक दफ़ा ये खाद देते होंगे। तो अक्सर जब मैं प्लांट्स लाती हूँ और फिर मैं उनको खुद खाद देती हूँ, पानी देती हूँ, अच्छे से उनकी देखभाल करती हूँ, तो वो बहुत जल्द जो है वो अच्छी कंडीशन में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की शॉपिंग। उम्मीद है आपको सबको अच्छी लगी होगी मेरे प्लांट्स जो मैं ख़रीद कर लाई हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।